फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कुछ बीमारी को लेकर, गुलाब के अंदर जो बीमारियां होती हैं, और अब बारिश का मौसम आने वाला है तो इसमें कौन किस बीमारी से आपको अपने गुलाब को ज़्यादा केयर करना है। लेकिन उससे पहले मैं लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में कई लोगों ने सवाल किया कि सर, ये मास्टर फीडिंग जो है वो कितने दिनों पर देनी है, और क्या हम सॉयल में दे सकते हैं या सिंडर में भी दे सकते हैं या जमीन में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये जो मास्टर फीडिंग है आप सिंडर में भी यूज कर सकते हो, आप जो पॉट में जो सॉयल में जो आप गुलाब कर रहे हो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। जिनके गुलाब ग्राउंड में लगे हुए हैं, जमीन में लगे हुए हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। और जो मात्रा होनी चाहिए वो, अगर प्लांट बड़े हैं तो 2 स्पून दीजिए ग्राउंड में अगर है तो, और अगर पॉट में है तो 1 स्पून, और प्लांट छोटे हैं तो आपको 1/2 स्पून देने हैं। जो इंटरवल होना चाहिए वो 10 दिन के गैप पे अभी आपको देना है। जो गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में बहुत ज़्यादा हम खाद प्लांट को नहीं देते हैं, तो आपको जो है 10 दिन पे इसको एक बार फीडिंग करनी है। और अगर सीजन में जो आने वाला मौसम है गुलाब के लिए, जो फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो हफ्ते में एक बार आपको ये मास्टर फीडिंग अपने गुलाब के अंदर यूज करना है। अब बात आती है गुलाब में जो बीमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, और उनसे हम अपने गुलाब को कैसे बचा सकते हैं। गुलाब में मेरे हिसाब से 4 ऐसी बीमारी है जो गुलाब को बिल्कुल ही खत्म कर देती है। पहले नंबर पे मैं थ्रिप्स अगर आ जाता है आपके गुलाब को, तो आपका प्लांट कितना भी अच्छा हो, उसमें कितने भी बर्ड्स आए हों, सारा खत्म कर देता है। दूसरे नंबर पे मैं माइट्स को मानता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं डाईबैक को मानता हूँ। चौथे नंबर पे मैं जो स्केल एक बीमारी है उसको मानता हूँ। तो ये जो बीमारी है ये कभी भी किसी मौसम में आ सकते हैं, ये कभी भी किसी मौसम में कोई भी बीमारी आ सकती है। और जो थ्रिप्स हो, जैसे ही आप प्रूनिंग करते हो तो प्रूनिंग के बाद जो हमारे नए शूट्स निकलते हैं उस पर थ्रिप्स ज़्यादा अटैक करता है। जो माइट्स है, जैसे ही टेम्परेचर आपका ठंड का खत्म होता है और गर्मी का स्टार्ट होता है, यानी हमारा मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है उसमें माइट्स अटैक करता है। जो डाईबैक है वो जो हमारा पूरा सीजन है कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में डाईबैक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जो हमारा स्केल है, स्केल जो डिजीज है, वो अभी आने वाला जो समय है, हमारा बारिश का जो मौसम है, उसमें स्केल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारी बीमारियां हैं। हालांकि ये बीमारी कभी भी किसी मौसम में हो सकती है, लेकिन ये खास मौसम है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है इन बीमारियों से बचाव करें अपने गुलाब। आज मैं डिस्कस करूंगा, आज जो बारिश का मौसम हर जो एरिया है जहां भी लोग गुलाब उगा रहे हैं, आगे आने वाले मौसम में जो बारिश का मौसम आने वाला है, और इसमें जो बीमारी स्केल जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। स्केल है क्या, ये कैसा दिखता है, इससे बचाव कैसे करना है, मैं ये 3 बातों पे आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। स्केल एक इंसेक्ट है, और ये पूरी तरीके से कभी आपको ये नहीं दिखेगा कि एक बाकी जो कीड़े होते हैं वो कीड़ों के हाथ पैर होते हैं, वो चल रहे होते हैं, वो दिखते हैं, लेकिन स्केल एक ऐसा बीमारी है जो पूरे स्टेम को कवर कर लेता है और उनसे चिपक जाता है बिल्कुल, और ऐसा लगेगा जैसे स्टेम का जो बाहर का जो लेयर है वो ड्राई हो रहा है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये नेचुरल है, ये प्लांट में ऐसा होता ही है, और उसको केयर नहीं करते हैं। बेसिकली वो स्केल होता है, और स्केल जो होता है उसको सैप, जो आपका स्टेम का जो जूस है, जो रस है, उसको चूसता रहता है, और इतना सक करता है वो कि वो एक समय ऐसा आता है जब वो पूरा स्टेम सूख जाता है, फिर वो फैलते फैलते पूरे प्लांट को ही मार देता है। खास करके वो एरिया जहाँ पे डैम्प यानी थोड़ा नमी होता है, बारिश की वजह से बिल्कुल नमी आएगी, तो नमी वाले एरिया में ये स्केल पकड़ता है, और जहाँ जैसे ही ह्यूमिडिटी स्टार्ट होता है, बारिश में जब ह्यूमिडिटी स्टार्ट होता है, तो ये स्केल अटैक करता है आपके गुलाब पे। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो बचे हुए हैं स्केल जैसे डिजीज से, बचे हुए हैं। दिल्ली में बहुत स्केल प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं से गुलाब ऐसा आ गया जहाँ पे स्केल की बीमारी थी और वो आपके गार्डन में आ जाता है, तो फिर ये बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है आपके गार्डन के अंदर।
पुणे वगैरह में स्केल बहुत ज्यादा होती है, कलकत्ता में भी स्केल बहुत ज्यादा है, तो स्केल से बचाव कैसे करें, स्केल से हमें बचाना कैसे अपने प्लांट को, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मिलाथियन है और मैं समझता हूँ इससे सस्ती दवा मार्केट में कोई नहीं है स्केल के लिए। ये एक मिलाथियन 50% EC वाला आपको मिलाथियन लेना है। ये एक लीटर का बोतल 250 से 300 रुपए में मिल जाता है 1 लीटर, और इसका 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml डाल के और आपको अपने गुलाब के ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे कैसे करना है मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा कि आपको किस तरीके से स्प्रे करना है। मैंने इस पे पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको कैसे स्प्रे करना है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने ये सारा डिटेल बताया हुआ है। तो ये 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको ये अपने पानी के अंदर मिलाना है और इसको स्प्रे करना है अपने गुलाब के अंदर। कभी कभी अगर आप 4 बार अगर इसको स्प्रे करते हैं तो 2 बार इसके अंदर डिटॉल लिक्विड सॉल्ट 1 लीटर के अंदर 1 बूंद वो भी आप इसमें मिला के और स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपके गुलाब के अंदर जो कम अगर जो स्केल की बीमारी अगर शुरू हुई है या कम है वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। इसको और अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो कहीं से भी अगर अच्छे करंज का ऑयल अगर मिल जाता है तो 5 लीटर में 1 या 1 से 2 ml मिलाकर फिर इसको यूज करना है आपको और आप अपने गुलाब के ऊपर स्प्रे करना है। अगर करंज का ऑयल नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको यूज करो 2 ml पर लीटर के हिसाब से, आपके गुलाब में स्केल की प्रॉब्लम अगर है वो खत्म हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर आएगी भी नहीं है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों काम करता है। फ्रेंड्स अगर आपके प्लांट के अंदर स्केल बहुत ज्यादा अगर लग गया है, जैसा कि मैं इस फोटो में आपको दिखा रहा हूं, मैं अगर बहुत ज्यादा स्केल लगा हुआ इस तरीके से पूरा भरा पड़ा अगर स्केल, तो आप अल्कोहल लेकर या स्प्रिट लेकर ब्रश के ब्रश आप ले लें, जो हम ब्रश करते हैं टूथ ब्रश करते हैं वो टूथब्रश आप लेकर और अल्कोहल से इसको वॉश कर सकते हो और जितना अफेक्टेड एरिया है उसको आप हटा सकते हो और आपका प्लांट फिर से सर्वाइव हो सकता है। अगर आपके अंदर आपके गुलाब के अंदर कभी अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई है बहुत ज्यादा आ गई है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अल्कोहल और ब्रश से, इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो और आपका प्लांट फिर से सर्वाइव हो जाएगा। मैं एक लाइव एग्जांपल, जो आज की डेट में हमारे पूरे कंट्री में एक सिनेरियो था, पूरे कंट्री में कोरोना फैल गया, गवर्नमेंट जो बोलती रही और लोगों को समझाती रही, कई लोग को ये बताना पड़ता था कि आप मास्क पहनो, आप बचाव करो अपने आप को, लेकिन लोग समझे नहीं और इस वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना हमारे कंट्री में फैल गया। और जब कोरोना फैल गया तब हमें दिमाग खुला और अकल आई कि हमें इससे बचाव करना चाहिए और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। यही चीज मैं गुलाब के अंदर बताना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि जब बीमारी फैल जाएगी तब मैं इसका इलाज सोचूंगा। आप उस बीमारी को फैलने मत दो, आप पहले से ही आप सचेत रहो, इतना आप अटेंशन लो और इतना केयर करो अपने गुलाब के ऊपर कि इसको किसी भी तरह का कोई बीमारी हो ही नहीं। मैंने बताया ये 4 बीमारी जो है थ्रिप्स, माइट्स, डाईबैक और स्केल, ये प्लांट्स को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और पूरे साल का आपका मेहनत खराब हो जाता है। तो ये बीमारी होने नहीं देनी है। जो ये मिलाथियन है, चाहे बीमारी आपके प्लांट में हो या ना हो, मौसम कोई भी हो, हर महीने या 15 दिन पे अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे स्केल की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे एरिया में आपको हर 15 दिन पे एक बार मिलाथियन का स्प्रे, जैसा मैंने बताया है, वो जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में हो जहां ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पे महीने में एक बार मिलाथियन आपको जरूर स्प्रे करना चाहिए अपने गुलाब के ऊपर। इससे ये होगा कि ये बीमारी आपके प्लांट के अंदर कभी आएगी नहीं और आपको कभी कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हम ये
केयर नहीं करते हैं और जो प्रिवेंशन होनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं, हम क्यूरेटिव पे ज़्यादा चले जाते हैं, तब तक हमारा प्लांट बहुत पीछे चला जाता है। तो आगे आप ध्यान रखो कि ये बीमारी होने नहीं देनी है। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि 2-3 दवाइयाँ आप अपने साथ रखो और हर 15-20 दिन पे या हफ्ते दिन पे एक रोटेट करते रहो। मैं हर संडे, जो एक संडे का दिन है वो मेरा फिक्स है, वो शाम में संडे को 4 बजे मेरे को पेस्टिसाइड फंगीसाइड अपने प्लांट के ऊपर करना है, चाहे बीमारी हो या ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लांट में बीमारी कोई आ जाए और उसके बाद मैं परेशान हो जाऊं और पूरे साल मेरा मेहनत खराब हो जाए और पूरा प्लांट मेरा खराब हो जाए, जो बड़े मेहनत से हम पालते पोसते हैं और इनको बड़ा करते हैं। तो वो बीमारी हमें आने नहीं देनी चाहिए। तो आपको रोटेट करके जो मेडिसिन है वो हमेशा यूज करते रहना चाहिए। इससे ये हुआ कि आपके प्लांट के ऊपर कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और आपका प्लांट सेफ रहेगा और हेल्दी रहेगा, और जो आप उम्मीद करते हैं अपने प्लांट से वो आपका उम्मीद पूरा करेगा आपका प्लांट। कई लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे मिट्टी में गुलाब उगानी है और हमारे पास प्रॉपर मीडिया नहीं है, जो खंगर है या सिंगर है। तो आगे आने वाले वीडियो में उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और मैं एक न्यूज़ सुन रहा हूं जो बंगाल में और वेस्ट बंगाल में और उसके आसपास के एरिया में और हमारे बांग्लादेश में ये एक यास नाम का एक साइक्लोन आ रहा है, जो बहुत ही उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, और जब तक ये मेरा वीडियो आएगा तब तक शायद वो साइक्लोन जा भी चुका रहेगा। आप अपने प्लांट को सेफ करें, अपने आप को सेफ करें, मैं यही कामना करता हूं। आगे आने वाले वीडियो का वेट करें, आगे किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आगे बारिश का मौसम आ रहा है, तो बारिश के मौसम में आप अपने गुलाब को कैसे केयर करेंगे, कैसे आप सेफ रखेंगे, उसकी फीडिंग क्या करनी है, आगे आने वाले वीडियो में उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पर रहें और परिवार का आनंद लें, एंड कीप ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच।